जैन साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर मराठी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आप लोगों का से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि सर एक डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर आप वीडियो बनाइए जो कि एमईएस का है, जो एमईएस का जो उसका डिटेल्स सिलेबस क्या है। तो आज मैं वही जानकारी आप लोगों के लेकर आया हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और भी पर्सन के साथ शेयर जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी यहाँ पर बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, आई होप कई लोगों का कहना था सर कि आप का जो कैमरा है वो क्लियर नहीं है, थोड़ा सा आप अपने कैमरे को चेंज कर दीजिए या कैमरा क्वालिटी को बढ़ाइए। बट फ्रेंड्स, मैं आपने बताना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी ही तरह एक नॉर्मल परिवार से हूँ और जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है, जो मेरे पास फ़ोन है, मैं उसी से रिकॉर्डिंग करता हूँ। क्योंकि हर एक इंसान के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। जब मेरे पास वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा दोस्तों, तो मैं ज़रूर अपने कैमरे की क्वालिटी को ज़रूर बढ़ाऊंगा दोस्तों। आप लोगों का प्यार मिलेगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो और वीडियोज़ और बनाऊँगा दोस्तों। और जैसे ही मेरा अभी तक जो है मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर जो हैं वो 1500 प्लस ही हुए हैं और अभी भी वॉच टाइम जो है कवर नहीं हो पाया है, जो 4000 घंटे के बाद जो मोनेटाइज होता है चैनल। तो दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन तक पहुँचाएं। मैं अपनी वीडियो को अब छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हो सकता है मैक्सिमम मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा था तो ज़्यादा लोग उसको देख नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन उन वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से जानकारी होती है। कुछ पर्सन होते हैं जिनको डिटेल से जानकारी चाहिए होती है, लेकिन कुछ क्या करते हैं स्किप कर देते हैं। लेकिन असली जो सब्सक्राइबर कौन सा होता है, जो वीडियो को पूरा देखता है दोस्तों और जिसको वो चीज़ें समझ आ रही होती हैं, ठीक है ना। तो मैं उसी चीज़ के ऊपर के एक वीडियो बनाता हूँ जो बिल्कुल जीनियस पॉइंट है, जीनियस चीज़ है। तो मैं सिलेबस के ऊपर बात करने वाला हूँ। ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। जो वीडियो होने वाला दोस्तों वो एमईएस भर्ती सिलेबस 2023 का है। मैं आपको इसके लिए जो बुक्स हैं वो रिकमेंड करूँगा मैं, या बुक्स हैं जो अरिहंत और आर गुप्ता की बुक ही यूज़ करें इसकी स्टडी के लिए दोस्तों, ठीक है। बेस्ट बुक्स हैं दोनों, तो आप इसको इन बुक्स को आप लेकर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्टली मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, मेरे एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। सबसे फर्स्टली मैं हर अपने वीडियो में बताता हूँ दोस्तों कि जिसने एग्जाम को अपना फोकस बना लिया, जिसने अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया, वो आगे फिजिकल मेडिकल सब क्लियर कर जाता है, हो जाता है दोस्तों उसका, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हर एक जितने भी एग्जाम्स हैं सबका जो सिलेबस है एक तकरीबन एक जैसा ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग अगर मेहनत अगर वहाँ से जारी रखे हुए हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखी है, तो आप यहाँ पर जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं अभी फर्स्टली आप आता क्या क्या है आपके जो सिलेबस के अंदर है। तो फर्स्टली क्या है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में पूछा जाता है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या आएगा दोस्तों, इसमें मैं आपको मेन कुछ चीज़ें बता दूंगा, बाकी आप बुक्स में जाके या इसकी नोटिफिकेशन में जाके वहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों। वैसे मैं आप लोगों को वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, जैसे कि एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसका पजल हो गया, मैट्रिक्स हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, नंबर सीरीज हमको उसको करना पड़ता है तो वो क्वेश्चन हो गया। वर्बल रीजनिंग आती है और नॉन वर्बल रीजनिंग दोस्तों, ये किसके अंदर आता है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर होता है। रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत रहती है। और एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, जब भी आप रीजनिंग करते हो, रीजनिंग को हमेशा सबसे लास्ट में कीजिए, क्योंकि रीजनिंग में काफ़ी सारा टाइम लगता है, ठीक है ना। और जिस पर्सन ने ऑलरेडी अगर जिसका इंटरेस्ट है और जिसको मतलब रीजनिंग अच्छा लगता है फर्स्ट में करने, वो कर सकता है बाय द वे मेरी तरफ से, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे इस पेपर को क्या है क्रैक करोगे, ठीक है। सेकेंडली बात करो दोस्तों, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा रिलेशन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, इक्वेशंस होंगी, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिक्स होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। प्रॉफिट और लॉस होना अच्छी तरह से आप पढ़ लें, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के जो अभी जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। जो सीबीआई हवलदार का जो क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ ना अभी एसएससी का हवलदार वाला दोस्तों, उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस से बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट और लॉस के ही उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद वर्क एंड टाइम का और टाइम एंड डिस्टेंस और ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन दोनों में से मैक्सिमम आते हैं दोस्तों, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में से भी क्वेश्चन आएंगे आपको कुछ, ठीक है। इन सब की तैयारी आपने अच्छे से कर लेनी है। तीसरे पॉइंट पे आ जाऊँ मैं, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में दोस्तों पूछा जाएगा क्लोज टेस्ट होता है, इसमें सेंटेंस करेक्शन का एक सेंटेंस दे जाएगा, उसको आपको करेक्ट करना है दोस्तों, सेंटेंस करेक्शन का उसमें आता है, ठीक है। पैराजंबल्स आते हैं उसमें,
ठीक है, रीडिंग ऑफ कॉम्प्रेशन, एक पैराग्राफ आएगा उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर आपने देने उस पैराग्राफ के अंदर से, वो क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। स्पॉटिंग एरर, कोई ऐसा आपको सेंटेंस दे देगा उसमें स्पॉटिंग एरर होगा बीच में, तो वो आपको ढूंढना है, या कोई आपके पास कोई वर्ड आ जाएंगे, चार वर्ड ऑप्शन के वर्ड आ जाएंगे, इसमें से अभी गलत करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट कौन सा है वो उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस जो गलत है उसको सुधारना है हमने, तो वो भी आता है दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं इसके अंदर, फिल करना है हमें उसके अंदर, कुछ आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमने फिल करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद चौथा है स्पेशलाइज्ड टॉपिक, इसके स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत आएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो है इसमें स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स के अंदर आपके आपसे क्या पूछा जाएगा, वो आपका मटेरियल जो है, मटेरियल मैनेजमेंट टूल्स होगा, ठीक है, एबीसी एनालिसिस होगा, उसका प्रिवेंशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टोर, इंजीनियरिंग स्टोर के बारे में आपको वहां पर पढ़ना होगा दोस्तों, ठीक है। तो वो भी आप वहां पर जरूर पढ़ के जाना दोस्तों, क्योंकि स्पेशलाइज्ड ही, क्योंकि जिस चीज का टेस्ट है उसके बारे में यहां पर जरूर पूछेगा, ठीक है। उसका बेसिक ऑफ कंप्यूटर बेस्ड डाटा मैनेजमेंट, ये भी आप गया है, आप पढ़ के जाना। ड्यूरेशन कितना रहेगा आपका एग्जाम का, 120 मिनट रहेगा दोस्तों, जिसमें कि आपका जीआईएन जो रीजनिंग है वो उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जो आपका जो है जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस है वो भी 25 मार्क्स का आएगा और 25 नंबर का ही होगा। और उसके बाद स्पेशलाइज टॉपिक्स के ऊपर आएगा, वो भी क्वेश्चन 25 होंगे और 25 मार्क्स के ही होंगे, यानी कि टोटल आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का दोस्तों, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों इसमें, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए आपने सही से हर एग्जाम के क्वेश्चन को आपने क्वेश्चन वही करना है जो आपको कंफर्म है, पता है कि सही है, आप तुक्काबाजी नहीं करें एग्जाम के अंदर, तो बेटर रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ तुक्के से बहुत सारी चीज़ें तो कर देते हैं, लेकिन क्या है वो सही नहीं होता है, और तुक्का कभी भी सही नहीं होता है। तुक्का ट्रिक वो उनके लिए है जिन्होंने एग्जाम की बिल्कुल तैयारी नहीं की, जो सिर्फ ऐसे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसने अगर एग्जाम की तैयारी की है प्रॉपरली, उसे मैक्सिमम क्वेश्चनों के आंसर पता रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने अपने हिसाब से आप देख लेना है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, मैं आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूँ कैसे तैयारी करनी है अपने एग्जाम की, और कैसे आपको क्या है एग्जाम को क्रैक करना है दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं अभी, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी आपको एमईएस के सिलेबस के बारे में कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा, और अगर कोई डाउट्स होगा दोस्तों तो कमेंट्स करके जरूर पूछ लेना, कमेंट्स कर सकते हो, मैं हर एक कमेंट्स का आंसर जरूर देता हूँ दोस्तों, चाहे आप कमेंट्स में जाके देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। एंड हो सकता है अगर ये वीडियोस, क्योंकि मैं जितने वीडियोस डाल रहा हूँ दोस्तों वो ज़्यादा लोग उसको देख नहीं रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक वो वीडियोस पहुँच नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। चाहे मेरे पास एक दो कमेंट इसी की, एक दो के ही कमेंट्स क्यों नहीं आते कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तब भी मैं वीडियो उस पर जरूर बना देता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ दोस्तों उन लोगों की जो सिर्फ जो गरीबी में पले बड़े हैं, क्योंकि मैं भी गरीबी में पला बड़ा हूँ, ठीक है ना। एक दिन मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊंगा कि कैसे मैं भी इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। अगर यहाँ पर आप लोग कमेंट्स करके पूछोगे कि सर कि कितना, तो मैं तो ही मैं अपनी वीडियो क्या, यहाँ पर कमेंट्स अगर ज़्यादा आते हैं तभी मैं वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर दोस्तों, ठीक है। और बाकी जर्नी इंडियन आर्मी की बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन से हमको यहाँ पर रहना पड़ता है, हर चीज़ हमको सिखाई जाती है दोस्तों। इंडियन आर्मी के अंदर आपको भर्ती होना है तो हर चीज़ आपको समझनी होगी। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड गॉड ब्लेस यू।